मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं, जस्ट मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ अपना, और मैं सैलेड का जो सामान है वो मैंने निकाला नहीं बताऊँ, और अब मुझे ठंडा ठंडा सैलेड खाना पड़ेगा। देखती हूँ, थोड़ा वेट कर लूँगी, जस्ट मैं ये निकाल रही हूँ। वन टमेटो, कुकुम्बर, ये वाले, ये देसी कुकुम्बर होते हैं क्या? ये वाले देसी कुकुम्बर होते हैं क्या? जरा मुझे बताना कुकुम्बर के लिए। अगर ये देसी होते तो मैं यही लेकर आऊंगी, क्योंकि ये मैंने ईडी से लिए, और लुलू में जो है ना वो डिफरेंट मिलते हैं, तो वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के हैं कहाँ के हैं, तो इसीलिए। और मैं मूली कट करूंगी, और आज मैंने बनाई है शिमला मिर्च की सब्जी, दिखाती हूँ। तो वो सिंपल, वैसे शिमला मिर्च की मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो शिमला मिर्च की सिंपल सब्जी, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरा रूटीन क्या है खाने का। काफी मेरी डबल चिन जो है वो चली गई है, तो चलो अभी मैं रोटी बनाती हूँ। अरे आटा तो निकाला ही नहीं। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी केयर की मेरी, इतना पूछा मुझसे मेरी तबीयत को लेकर। स्टिल आई एम नॉट 100% ओके, अभी है कफ वगैरह है, बट थैंक गॉड कि ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं लिटरली डर गई थी, क्योंकि पूरे टाइम वो कोरोना वायरस चलते चलते लिटरली, और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सीजनल चल रहा है, मेरे ऑफिस में भी हो रहा है, बट पता नहीं कई बार होता है ना कि एकदम से, कि अभी मैं अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान रख रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टच वुड मुझे कुछ होना। पहले मुझे हर महीने बुखार आ जाता था, मेरी बॉडी स्टेमिना कुछ भी नहीं रहा था, और डाइट वगैरह सब चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, मेरी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, कुछ ना कुछ कमी रहती ही थी। तो जब से मैंने ये प्रॉपर डाइट शुरू की है, और अपना नियम बांधा है, सारी चीजें जो मैं आगे बताने वाली हूँ, लेट्स सी कि मेरा और कितना रिड्यूस होता है वेट, और कितनी बीमारियां मेरी खत्म होती हैं, तब से मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में 5 मंथ्स, पांचवें महीने में मुझे बुखार आया है, जहां मुझे हर वक्त बुखार आता रहता था, मतलब मुझे इतना ज्यादा आता था, आप लोगों को तो मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो वीडियोस में बुखार ही बुखार दिखेगा, तो मैं ज्यादातर हैप्पी गो लकी टाइप ही रहती हूँ। मतलब मेरा बुखार गया, एक दो हफ्ते बाद फिर आ गया, फिर गया, फिर एक दो हफ्ते बाद आ गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं कंटिन्यूअसली पैनाडोल खा रही हूँ, कंटिन्यूअसली मुझे कफ बना हुआ है, और मेरे नोज वगैरह, मतलब कोल्ड वगैरह सारा बना हुआ है। तो जब से मैंने ये सब नियम वगैरह किए हैं ना, डाइट वगैरह को लेके, बहुत सारी चीजें कर रही हूँ यार, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, बहुत ही इजी गोइंग में हो रहा है, जो मैं लाइफ टाइम के लिए कर सकती हूँ। मतलब अगर आप 20s में हो, 30s में हो, 40s, 50s, कोई भी एज के कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरा एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, जल्दी ही बनाऊंगी, जस्ट मैं थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ कि मेरी रिपोर्ट्स वगैरह जो है और भी आने वाली हैं अभी, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो फिर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो अभी जो है, सो आई एम हैप्पी कि मुझे जो बुखार आया है वो पांचवें महीने में आया है, मतलब ऐसे तो मुझे ये भी पसंद नहीं आया था, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन ये बोल रहे कि इनके ऑफिस में भी सारी चीजें, सारे लोग जो है वो बीमार चल रहे हैं। अच्छा, खाना बनाने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगी। आज आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने पूरा नेल पेंट वगैरह हटा दिया है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कुवैत से जो है कुछ लोकल जो मार्केट्स होती है ना, वहां से नेल पेंट्स लिए थे। नेल पेंट जो है वो ऐसे कोई सस्ते भी नहीं थे कि भाई 10-20 रुपए वाले हों या 50 वाले हों, वो 500 fils, 700 fils, इवन 1 kg के वो वाले नेल पेंट मैंने लिए थे, आई थिंक 4 साल पहले, तो तब 500 fils के थे। अभी मैं देख कर आई हूँ तो वही नेल पेंट 1 kg के हो गए, तो 1 kg इज इक्वल टू 230 rupees का नेल पेंट। 230 rupees में आप लैकमे का नेल पेंट ले सकते हो, आई थिंक कई सारे एलेटिन के तो और सस्ते आते हैं, मेबलिन का भी मिल जाता है अगर सेल वगैरह है, तो काफी अच्छे ब्रांड्स में 1 kg के नेल पेंट मिल जाते हैं। तो मैंने जब वो नेल पेंट लिए, मैंने कई सारे ले लिए थे, लिटरली मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं खाना बनाने के बाद आपको बताऊंगी, और उसके बाद मैंने उससे हाफ ऑफ द प्राइस अच्छे ब्रांड के नेल पेंट कैसे लिए वो सारी चीजें बताऊंगी। तो पहले मैं बना लेती हूँ खाना।
माय सैलेड इज रेडी। मैं बहुत ही रफली कट करके खाती हूँ, मुझे इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती थी कि मेरे पास ना, मैं ना एक बार अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ पे सालमिया मार्केट है एक, अंदर अंदर जाके बहुत सारी मार्केट्स हैं यहाँ पर। अगर आप सालमिया में पूरी मार्केट घूमोगे ना तो बहुत मतलब अंदर अंदर देन नीचे बहुत सारी मार्केट्स हैं यहाँ पर, जो कि आपको बाहर से तो ऐसा लगेगा शॉप है, लेकिन आप अंदर घुसते जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, तो वहां पे नेल पेंट्स वगैरह देखे शुरू में, और मैंने ले लिए। मैंने कहा यार कुवैत इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ पर अगर हाफ के डी का नेल पेंट मिल रहा है तो दैट इज गुड। तो वो जो है ना, वो लोकल ब्रांड्स होते हैं जो मेड इन बांग्लादेश होते हैं, ज्यादातर मेड इन बांग्लादेश होंगे, सऊदी होंगे, तो इस तरह के नेल पेंट्स मिलते हैं। काफी अच्छी बड़ी सी शीशी थी तो मैंने ले लिए, काफी कलर्स ले लिए मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, हाफ के डी इज ओके फॉर मी। और उसके बाद ना मैंने लगाए, तो शुरू में उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी। शुरू में जब मैंने लगाया ना, तो मेरे नेल पे से जब वो निकलने लग गया, जब मैंने पूरी तरीके से निकाला उसे, तो वो कलर छोड़ गया, मतलब मेरे नेल पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुए। और फिर मैंने और अच्छे से क्लीन किए साबुन वगैरह से, तो भी उसके जो टिंट्स रहते हैं थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, जैसे पिंक है तो पिंक का इफेक्ट, रेड का इफेक्ट, वो मेरे नेल से हटा ही नहीं काफी दिनों तक। तो मैंने कहा यार ये दिस इज नॉट राइट, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से नेल पेंट यूज करती आ रही हूँ, अच्छे अच्छे ब्रांड्स में तो इस तरह से नहीं होता, मतलब नेल पेंट अच्छे होते हैं जब आप उसे निकालो तो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। देन थोड़े टाइम बाद, आई थिंक आफ्टर 1 मंथ, उनमें से इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल कि आई कांट, मतलब मैं लगा लूँ ना तो मैं अपने हाथों को ऐसे नहीं रख सकती, अपने फेस पे नहीं रख सकती, इतनी गंदी स्मेल। उसके बाद तो वो बहुत ज्यादा गाढ़े हो गए मेरे जो H&M के नेल पेंट्स है ना, ये आई थिंक मुझे हो गए 2-2 साल, और बिल्कुल भी ये थिक नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बताती हूँ, तो वो तो मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। और भी मैंने मेकअप लिया था, लिपस्टिक वगैरह ली थी, सब में स्मेल आती है, लिपस्टिक की किसी और दिन बात करेंगे। फिर मैं H&M से कपड़े खरीदती थी, तो फिर H&M का ना पहले नेल पेंट सीधे, ज्यादा कुछ मेकअप नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे मेकअप यहाँ पर बढ़ता गया। उसके बाद मैंने कुछ नेल पेंट्स देखे, शुरू में मैंने ये वाले लिए थे, ये इस तरह वाले, ये वाले, ये शुरू में है तो इस पर लिखा भी है देखो 500 fills, ठीक है, ये लिया, ये भी 500 fills। देन मैंने लिया ये वाला, दिस इज ऑल्सो 500 fills। देन मैंने ये फ्लैट वाले आते थे पहले, ये भी 500 fills, ये ग्लिटर है, ठीक है। जब मुझे मैंने देखा ये 500 fills के मिल रहे हैं, एंड H&M के, ये वाला तो मैं क्या बताऊं आपको, शायद मे भी 3-3.5 साल हो गए हो, और एज इट इज है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, ना गाढ़े हो रहे हैं, ना इनमें स्मेल आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब H&M की तो इतनी अच्छी क्वालिटी है ना, स्पेशली नेल पेंट की, कि अगर आप लगाओगे तो जल्दी से हटते भी नहीं है, वो जो जल्दी से चिपट हो जाते हैं ना वो भी नहीं होते, मतलब बेस्ट नेल पेंट्स अभी तक जो मैंने यूज किया। मैंने कीको के भी लिए थे, बट उससे भी बेस्ट मुझे H&M के लगे। उसके बाद मैंने ये वाले लिए, दीज आर द क्यूटेस्ट वन, ये वाले नेल पेंट्स लिए मैंने, इनके कलर्स बड़े प्यारे हैं। ये एक मैं लगाती रहती हूँ, आप लोग पूछते रहते हो, तो मैंने सोचा आज नेल पेंट का बना दूं। एक ये है, एक ये पिंक है, बेबी पिंक, और इसका एक मैंने गोल्डन कलर लिया था, देन मैंने ये लिया था एक पर्पल, और मैंने ब्लू लिया था। तो इस रेंज के मैंने काफी लिए थे, और ये रेंज बहुत ज्यादा अच्छी है। सारे नेल पेंट सिंगल 500 fills के लिए, जबकि ओरिजिनल प्राइस आई थिंक इसकी 3.5 KD है, मतलब आपको 750-800 रुपए का मिलेगा, कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर आप सेल में लेंगे तो 100 रुपीज का। उसके बाद मैंने एक और लिया, तो वो इस तरह का है, ये तो ये 2 का आया था, ये इस तरह से जुड़ जाते हैं, इनमें कुछ ऐसे डिजाइन है बैक में, ये थोड़े से टेढ़े हैं, तो इस तरह से 2 का पैक लिया था, और ये भी मुझे 500 fills के 2 मिले। उसके बाद मैंने एक ब्लू कलर का लिया था 500 fills का, ये छोटा सा, तो ये कलर भी बड़ा प्यारा है, तो आई डोंट नो आज मैं कौन सा अप्लाई करूंगी। तो काफी लड़कियां मुझे पूछती हैं आपका नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जब मैंने ऑरेंज ये वाला लगाया है, या मैंने ब्लू लगाया था, मैंने पिंक लगाया था, तो इस तरह के शेड जो है ना वो वीडियोस में बड़े अच्छे लगते हैं। तो काफी लड़कियां मुझसे पूछती थी कौन सा नेल पेंट है, तो ये H&M के हैं सारे, और सारे ही बहुत ज्यादा रीजनेबल है। कैन यू बिलीव इट कि हर नेल पेंट का जो प्राइस है वो 700-750 तक है, मतलब 3.5 KD आप लगा लो, जो आप चल रहा है आजकल 230 चल रहा है,
और मुझे 500 फिल्स में मिल रहा है, मतलब लोकल यहाँ पर 1 KD के हो गए हैं, 1 KD के सारे नेल पेंट हैं। तो प्लीज मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी, अगर आप नए हो या अगर आप यहाँ पर हो और मुझे देख रहे हो, तो प्लीज आप मत लेना वो लोकल, वो आपके नेल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे बहुत शॉपिंग करते हैं, वहां से लड़कियां पागल है उस मार्केट के लिए। मैं कभी हो सका तो दिखाऊंगी, वैसे कुवैत को इतना कैप्चर करना इज नॉट ईजी, रियली नॉट ईजी, क्योंकि लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इवन कुवैत गवर्नमेंट भी इतना पसंद नहीं करती कि ज़्यादा कुवैत के बारे में वीडियोज़ वगैरह बनाओ। बट मैं देखूंगी एक दो शॉप में अगर आप लोगों को दिखा सकी। आप लोगों को लेना है एक दो पीस लेके ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी जो प्राइस आप वहां पर पे कर रहे हो उतना ही आपको सेल में एक अच्छा ब्रांड भी मिल सकता है। बाकी मेकअप का मैं आके आपको दिखाती रहूंगी कि मैंने कितने कितना ऑफ लिया है और मैंने कितना रीजनेबल लिया है। मैं फुल प्राइस में बहुत ही कम चीजें लेती हूँ, जब तक कि मुझे एकदम से जरूरत ना पड़े। तो ये है मेरे नेल पेंट की स्टोरी, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए हो, क्योंकि कईयों को पसंद है कईयों को नहीं। मुझे तो नेल पेंट्स का बड़ा शौक है, मैंने नेल्स ही में इसलिए बढ़ाती हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है फिर छोटे कर लो। तो अभी आई डोंट नो मैं कौन सा लगाने वाली हूँ, मेरा मन जो है वो पर्पल का भी है, ब्लू का भी है जो मैंने बहुत दिनों से नहीं लगाए, एंड मेरा मन ये भी है, ये ऑरेंजिश। तो ये मेरे पास ना दो हैं, सेम से हैं, बट थोड़े से डार्क एंड लाइट का है। तो H&M के नेल पेंट्स आर माई फेवरेट। तो आप जब भी जाओ, H&M में सेल रहती है ना, तो नेल पेंट्स पे ज्यादातर रहती है, अभी थी, बट H&M के ये वाले नेल पेंट्स जो ये वाले है ना वो 1 KD के थे, 500 फिल्स के नहीं थे। तो बेटर है वेट करो 500 फिल्स का, जैसी हो जाए ना वैसे ही मैक्सिमम कलर ले लो, और इनमें कुछ नहीं होता, दो दो तीन तीन साल हो गए, इनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, मतलब एज इट इज ना ऐसा लगता नए हैं अभी तक। तो चलो अभी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, फाइनली मैंने नेल पेंट लगा लिया एंड आई रियली रियली लव इट, सो ब्राइट एंड शाइन, आई क्वाइट लाइक इट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एवरटीन की बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम, और लिटरली ये मैंने क्रीम यूज की है, और मैं आपको बता सकती हूँ कि एक तो कोई कट वगैरह की टेंशन नहीं है बिकनी पार्ट पे, प्राइवेट पार्ट पे, एंड सेकंड थिंग इस क्रीम में ना स्मेल नहीं आती है, जो अदर क्रीम्स में स्मेल आती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो इस क्रीम में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुआ, मुझे कोई भी स्मेल नहीं आई, और बहुत ईजी लगा मुझे इसे यूज़ करना, ना तो रेज़र की ज़रूरत है, ना कट लगते हैं, ना कुछ भी, स्किन डार्कनिंग भी नहीं होती है इससे। मैं इसे करीबन 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं एक बार और आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आई, और ये मैंने इंडिया से ही लिया है, आप चाहें तो अमेज़ॉन से ले सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी, और प्राइस के हिसाब से भी मुझे काफ़ी सस्ती लगी, मतलब 149 रुपीज़ की है, जो आई थिंक आपको अमेज़ॉन पे 135-136 तक की भी मिल जाएगी। तो ये क्रीम जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली मैं अपने पैरों के भी बाल हटा लेती हूँ, तो अगर आप बिकनी पे यूज़ नहीं करना चाहते तो पैरों के भी हटा सकते हैं, और स्पेशली मेरे साथ तो ये केस है कि मैं पार्लर में जाके ये सारे काम नहीं करवा सकती हूँ, आई एम क्वाइट शाई पर्सन, तो मैं ये सारे काम नहीं करवा सकती हूँ, और मुझे रेज़र वगैरह यूज़ करना प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है। तो मुझे ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आई, पहले मैं दूसरी क्रीम यूज़ करती थी जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा यू नो बीच में फंस गई थी कि मैं यूज़ क्या करूँ, सो फाइनली आई गॉट दिस क्रीम और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मेरे पास अभी भी इसके 2 पैक्स पड़े हैं, मैं कंटिन्यूसली इसे यूज़ कर रही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे एवरटीन के कि इसके जो प्राइजेज़ हैं ना वो बहुत रीज़नेबल है, तो अगर आप फर्स्ट पैकेट लेते हैं तो भी आप ट्राई करने के लिए ले सकते हैं, वैसे मैं जो भी आपको रिव्यू देती हूँ वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं मेरे चैनल पे, मैं कहीं भी आपको गुमराह नहीं करूँगी कि आप कुछ भी ले लो, काफ़ी ब्रांड्स को तो मैं मना ही कर देती हूँ, बट एवरटीन एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं बार बार लेना पसंद करती हूँ, स्पेशली कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं और आप ले सकते हैं, मैं इसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को ये चिट चैट थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, इसमें मैंने फुल गर्दिश बातें की हैं, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे भी वीडियोस बनानी चाहिए, कुवैत की इन्फॉर्मेशन मैं आगे की व्लॉग्स में देती रहूंगी और देती रहती हूँ मैं हमेशा, अगर आपको फिर भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक कुवैत इन्फॉर्मेशन वीडियो लिस्ट, इस तरह से मैंने एक लिस्ट बना दी है जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड सेकंड एक कुवैत लाइफस्टाइल ब्लॉग्स हैं जहां पर आप पूरी मेरी लाइफस्टाइल देख सकते हो कि
इंडियंस कुवैत में किस तरीके से रहते हैं, अगर आपको कहीं भी डाउट है कि हिंदूज किस तरीके से रहते हैं या इंडियन किस तरीके से रहते हैं या एक्सपेक्ट किस तरीके से रहते हैं, तो मैं सभी के बारे में, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी से रिलेटेड मैं यहाँ पर बताती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी कंफर्टेबली रहती हूँ। काफी लड़कियां हैं जिनको अभी भी डाउट है, थोड़ा डर रहता है, इंस्टाग्राम से मुझसे चैट करती रहती हैं। एक मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड है, फ्रेंड के सब्सक्राइबर हैं, जिनको काफी डर लग रहा था। तो प्लीज आप डरिए मत, आप मेरे व्लॉग्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं कैसे रह रही हूँ। तो वैसे ही आप लोग भी रह सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में लाइफस्टाइल होती है वैसे ही यहाँ पर भी है। तो चलिए इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ, आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। टिल देन बाय बाय, कमेंट करके बताना ये इस तरह का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे बताती रहूंगी। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, और आप भी अपना शेयर करो। और आप भी मुझे बताना कौन से नेल पेंट्स जो है आपके ब्रांड फेवरेट है, क्योंकि मैं भी डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ। एंड आई लव ब्राइट कलर्स, जो समर फ्रेंडली होते हैं ना, मुझे वैसे कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो प्लीज बताना कौन से ब्रांड में सबसे अच्छे ब्राइट है, मतलब मस्त वाले कलर हैं, तो वो मैं जरूर परचेज करूंगी। आपके एडवाइजेस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, यू नो आई लव यू।